हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सेल की रसोई में। आज हम बना रहे हैं सोयाबीन की एकदम नई तरह की सब्जी। यहाँ लिए हैं दो बैंगन, दो आलू, आलू को मैंने छील लिए हैं, और यहाँ लिया है एक पैकेट सोयाबीन, जो 10 रुपए का पैकेट आता है वही लिया है मैंने। तो सबसे पहले हम गर्म पानी करेंगे, इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, और जैसे ही पानी गर्म होगा ना तो इसमें हम डाल देंगे सोयाबीन की बड़ियाँ, और एक उबाल आने तक इसे हम छोड़ देंगे गैस के ऊपर। एक उबाल आने के बाद गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडे पानी से एक बार अच्छे से हम और धो लेंगे सोयाबीन बड़ी को। तो चलिए एक उबाल आने देते हैं और इधर हम सब्जियों को कट कर लेंगे। तो जब भी आप बैंगन की इस तरह की सब्जी बनाए ना, तो अच्छे फ्रेश बैंगन आप ले आइएगा, और जो थोड़े से ऐसे गोल आकार के रहते हैं ना, तो उस बैंगन की सब्जी जो है काफ़ी अच्छी बनती है। तो इधर मैं बैंगन को काट लेती हूँ। तो इसके पहले हम डंठल निकाल देंगे, और अगर आपको डंठल सहित पसंद हो ना तो आप डंठल को हल्का सा साफ कर लीजिएगा, और आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। तो बैंगन को थोड़ा हम बड़े बड़े आकार में ही काटेंगे, एकदम छोटा आकार में नहीं काटना है, नहीं तो क्या होता है ना कि बैंगन जो है वो एकदम घुल जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि किस चीज़ की सब्ज़ी बनी हुई है। तो बैंगन को थोड़ा सा बड़ा बड़ा ही कट करेंगे। तो सारे बैंगन को काट लेते हैं पहले, और इसके बाद हम धो लेते हैं अच्छे से। बैंगन की सब्जी जब भी बनाएं फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ा देर में बनाना हो तो बैंगन को काटने के बाद ना आप पानी में डाल के छोड़िएगा, नहीं तो फिर बैंगन जो है वो काले हो जाते हैं, आलू भी काले हो जाते हैं। तो आप काट के पानी में डाल दें, और जब बनाना हो तब आप बना सकते हैं। तो यहाँ मैं डायरेक्ट काट के बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसे पानी में नहीं डाला है। तो इस तरह से आपको बैंगन को कट करना है, और आलू को भी मैंने काट लिया, धो लिया अच्छे से दोनों को, और सोयाबीन बड़ी को भी मैंने ठंडे पानी से अच्छे से रगड़ के धो लिया है। तो 2 बार कम से कम सोयाबीन बड़ी को भी हमें अच्छे से धोना है। अब चलिए सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस सब्जी को ना हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं, तो ये जल्दी बनती है और काफ़ी टेस्टी बनती है। यहाँ मैंने डाल दिया 2 बड़े चम्मच भर भर के तेल। ये देखिए, मीडियम साइज़ के चम्मच से नापेंगे ना तो ये 3 से 4 चम्मच तेल होगा। तेल को गर्म हो जाने देंगे, इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, और जीरा जैसे ही भून जाएगा ना तो इसमें हम डालेंगे 1 प्याज मीडियम साइज़ का, बारीक कटा हुआ प्याज डालना है हमें। तो चलिए जीरा को भून जाने देते हैं। तो इस तरह से आप एक बार सब्जी ज़रूर बना कर देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है, और फिर आप हमेशा इसी तरह से बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो प्याज डाल दिया, प्याज को हल्का सा हम भून जाने देंगे पहले, और इसके बाद इसमें हम हरी मिर्च और अदरक को ऐड करेंगे। हरी मिर्च अदरक को पहले ऐड करने से कई बार क्या होता है ना कि ये जल जाते हैं मिर्च जो है, इसीलिए आप प्याज डालने के बाद में मिर्च और अदरक को ऐड कीजिएगा। इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है ब्राउन कलर आते तक, और इसके बाद ना इसमें हम आलू और सोयाबीन बड़ी दोनों को डाल के अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। दोनों का कलर अच्छा चेंज हो जाना चाहिए, तब तक आपको इसे लगातार चलाते हुए भूनना है। गैस का फ्लेम इस टाइम पे आप मीडियम टू हाई रख के इसे फ्राई कीजिएगा, लो मत रखिएगा। तो चलिए इसे फटाफट से पहले हम भून लेते हैं, और इसके बाद से फिर इसमें हम बैंगन ऐड करेंगे। इस तरह से आप सब्जी बनाएंगे ना तो बहुत ईजी तरह से बन जाएगा। तो जैसे ही आलू और सोयाबीन बड़ी अच्छे से फ्राई हो गए, तो अब यहाँ मैं बैंगन डाल रही हूँ। तो बैंगन को पूरा हमें डाल देना है। बैंगन डालने के बाद में आपको इसे भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस ना मसाले डालें और ये फटाफट से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो बैंगन पूरा डाल दिया, ये देखिए। अगर आपको ज़्यादा बनाना हो ना तो 5 लीटर वाला आप कुकर लीजिएगा, ये 3 लीटर वाला कुकर है। तो आप देख रहे होंगे ऊपर तक ये फूल हो गया है, लेकिन जैसे सब्जी जब गलेगी ना तो ये आधा हो जाएगा, इसलिए मैंने 3 लीटर वाला ही लिया था। लेकिन ज़्यादा मात्रा में बनाना हो तो 5 लीटर लीजिएगा। नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, नमक डाल दिया। इसमें ना ज़्यादा मसाला आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, कम मसाले में ये सब्जी जो है बनकर तैयार हो जाएगी। हल्दी पाउडर डाल देंगे 1 छोटी चम्मच, भर के डाल दिया। मिर्च भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार डालिएगा। तो 2 चम्मच भर भर के मिर्च डाल दिया, ये काफ़ी तीखी वाली मिर्च है, तो मैं यहाँ 2 चम्मच ऐड की हूँ। 1 चम्मच इसमें भर के गरम मसाला डाल देंगे, और इसमें धनिया वगैरह आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद यहाँ मैं डाल रही हूँ जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच डाला। इसके बाद डाल देंगे इसमें टमाटर, तो 2 टमाटर बारीक कटी हुई मैंने लिया था, इसे ऐड कर दिया। हल्का सा इसे ऐसे मिक्स कर देंगे, और इसके बाद इसमें ना हम 1/2 कटोरी पानी डालेंगे, और इसका ढक्कन फटाफट से हम लगा देंगे। 1/2 कटोरी पानी डाल दिया, पानी भी इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि सब्जी जो है ना पानी अपने आप छोड़ेगी। अब इसमें हमें 2 सीटी लगानी है, 2 सीटी से ज़्यादा मत लगाइएगा,
दो सीटी लग गए, गैस बंद कर देंगे, कुकर को अपने आप से हम ठंडा होने देंगे और इसके बाद इसका हम ढक्कन खोलेंगे। तो दो सीटी मैंने लगा दिया, गैस को बंद कर दिया है, कुकर हमारा ठंडा हो गया, इसे खोल लेते हैं। तो सारी सब्जियां जो हैं पक गई हैं, लेकिन फिर से इसे हम गैस चालू करेंगे और इसे चढ़ाएंगे। इसमें अभी हमें कुछ चीज़ें और डालनी है, तो आप देख रहे होंगे सब्जी गलने के बाद इसमें कुकर में आधी हो गई, थोड़ा सा मिक्स कर देंगे इसे। इसके बाद इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, कलर के लिए डाल दिया इसमें, एक चम्मच भर के डालिएगा। कसूरी मेथी डालेंगे दो चम्मच, कसूरी मेथी ऐसे आपको हाथों से डाल देना है इसमें, उसके बाद मिक्स कर देना है। और इसके बाद आखिरी में इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ती बारीक कटी हुई। और ये हमारी जो है आलू बैंगन सोयाबीन की सब्जी फ्रेंड्स बनकर तैयार हो गई। आप देख रहे होंगे कितना झटपट तरीके से ये बन गई। ढक्कन थोड़ा सा लगा देंगे ताकि सबका फ्लेवर जो है वो सब्जी में आ जाए। ये देखिए, अब इसमें आपको अगर जितना सूखा रखना है या जितना भी आपको इसमें ग्रेवी रखना है आप रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने सब्जी निकाल लिया। तो आई होप आपको आज की ये इजी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, और अगर ज़रा भी पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक शेयर कर दीजिएगा। और जो फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।